बैंक तो आपने बहुत देखे होंगे और बैंकों में लेन देन भी किया होगा, लेकिन कहीं देखा है ऐसा अनोखा बैंक जहां पैसे का लेन देन नहीं बल्कि आस्था का लेन देन होता है? जी हाँ, धर्म की नगरी काशी में एक ऐसा बैंक है जहां राम नाम का खजाना अरबों में जमा है। इस अनोखे बैंक में पुण्य जमा होता है और कर्ज में राम का नाम मिलता है। राम रमापति बैंक के नाम से जाना जाता है ये बैंक। 93 साल से चल रहे इस बैंक में लाखों की संख्या में खाता धारक हैं, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ पैसे जमा नहीं किए होंगे। इस बैंक में रखी पोटलियों में पैसे नहीं बल्कि राम नाम लिखे कागज हैं, जिनकी संख्या अब अरबों में हो गई है। इस बैंक में कर्मचारी भी काम करते हैं, खाता खुलवाने से लेकर और भी कई काम किए जाते हैं। इस अनोखे बैंक में उपभोक्ताओं के लिए फॉर्म भी भरा जाता है, जिससे राम रमापति बैंक में राम भक्तों को प्रवेश मिलता है। फॉर्म पर भी उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी लिखी गई है, व्यक्ति का नाम, उसका पता और साथ ही व्यक्ति को राम नाम के कर्ज का कारण भी भरना पड़ता है और साथ में अपनी मनोकामना भी लिखनी पड़ती है। बैंक भक्त को राम बुक से लेकर पेन तक देते हैं, लेकिन इस बुक के भी कई नियम हैं। बताया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में बिना मांस मदिरा के सेवन के साथ ही इस बुक को भरना होता है। ऐसा करने से इस राम नाम के कर्ज को पूरा करके इस बैंक में वापस जमा करने से ब्याज के रूप में उसकी मनोकामना पूरी होती है। केवल भारत देश ही नहीं, विदेशों से भी इस बैंक में लोग भगवान राम के नाम का लेन देन करने आते हैं। लोग यहां पर 125,000 राम नाम का कर्ज राम नवमी के अवसर पर लेकर जाते हैं, फिर अगली राम नवमी पर 125,000 राम नाम लिखकर इस बैंक में जमा कर देते हैं। इस बैंक में भगवान राम का नाम जमा करने का उद्देश्य आर्थिक नहीं आध्यात्मिक लाभ कमाना है। कोई भी भक्त इस बैंक में आकर दुख दूर करने के लिए राम नाम का कर्ज ले सकता है।